कौसर। अरे अम्मी आप बावर्ची खाने में, कौसर कहाँ है? अरे बेटा वो नहा रही है। और शायद तुम्हें नहीं पता अनवर, उसके अब्बू को 4-5 दिन से बुखार आ रहा है। मैंने ही उससे कहा जाके मिलाए। अम्मी आप कौसर को शय ना दिया करें। उसके अब्बू को बुखार ही तो आया है। कौन सा इंतकाल हो गया? अरे तौबा तौबा, ऐसी बातें नहीं करते और ऐसी गलत बातों को जबान पर भी नहीं लाते अनवर। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अम्मी जान आप बावर्ची खाने में काम करें और वो अपने घर पर आराम, अब मैं ऐसे कैसे बर्दाश्त करूं? अनवर तुम तो खामोखा घर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। अगर किसी का बाप बीमार हो जाए तो क्या वो बेटी उसे देखने नहीं जाएगी? अम्मी जान अब उसका घर ये है और उससे कह दीजिए अपने अब्बू को भूल जाए। मैं उसका शौहर हूँ, अगर उसको जाना ही था तो मुझसे इजाज़त लेके जाती। बेटा उसे आए हुए अभी कितने दिन हो गए। अनवर तुम इतने संगदिल ना बनो, उसके जज्बात उसके ख्यालात की कद्र करो। मैंने ही उसे जाने के लिए कहा है। अम्मी कौसर के मामले में आप कोई भी फैसला नहीं लेंगी, उसके सारे फैसले मैं करूंगा। तुम्हें क्या हो गया है बेटा? मैं ही उसे बहू बनाकर घर में लाई हूं ना। उसकी मम्मी मेरे बचपन की दोस्त थी, उसके वालिद मुझे बहन का दर्जा देते थे, तुम भी उन्हें बखूबी जानते हो। फिर आज तुम्हें हो क्या गया है? कुछ नहीं हुआ अम्मी, आपने कहा कौसर से शादी कर लो, सो मैंने की, मगर अब वो मेरी बीवी है और बीवी को शौहर के मुताबिक चलना होता है। अब अम्मी मैं इस मुद्दे पे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। मैं अब्बू से फोन करके हालचाल पूछ लूंगी, अगर ये नहीं चाहते तो मैं नहीं जाऊंगी। पर बेटी अचानक अनवर के रवैये में इतनी बड़ी तब्दीली मैं देख रही हूँ, मेरी समझ में नहीं आता इसकी वजह क्या है। हाँ ये जरूर याद आता है कि इसके अब्बा जिंदगी में मेरे साथ बड़ी बदसलूकियाँ करते रहे, लेकिन अनवर हमेशा सब कुछ देखने के बावजूद भी मेरी हमदर्दी में लगा रहता था। अब जब बहू घर में आ गई है तो उसके साथ ऐसा सुलूक। छोड़िए ना अम्मी, आप आराम से बैठ जाइए, मैं किचन में जाके नाश्ता बनाती हूँ। अनवर को ऑफिस भी जाना होगा। हाँ औरतों की यही कमजोरी, इन मर्दों को सर पे चढ़ाती। अनवर, अनवर बेटा, अरे आपको ऑफिस की देर हो रही थी ना, आइए नाश्ता कीजिए। जी अम्मी। और सर, बहू। जी अम्मी। आइए बेटा नाश्ता लाइए। नाश्ता तैयार है। कौसर ने खास तौर से बेटा आपके लिए बनाया है। अपना प्रोग्राम कैंसिल करके मुझ पे कोई एहसान नहीं किया है तुमने, इजाजत कुछ करने से पहले ली जाती है। और सुनो अम्मी को बीच में ना लाया करो, मेरी और तुम्हारी जो बात हुआ करे उसको मुझसे डिस्कस किया करो। अरे भैया छोड़ो बेटा नाश्ता करो। अम्मी आप बीच में ना बोला करें।
ये ऑमलेट बनाया है? अरे जरा जरा से बच्चे ऑमलेट बना लेते हैं। इसका मतलब तुमको कुछ बनाना ही नहीं आता। तभी तो कहूँ अम्मी हर वक्त बावर्ची खाने में क्यों पड़ी रहती हैं। देखो बेगम, मुझे जिंदगी में अच्छे खाने खाने का भी शौक है, और आज रात के खाने में आप गोश्त बनाएंगी, अम्मी नहीं। नाश्ता सही नहीं लगा तो मैं कुछ और बना देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑफिस में मंगवा के खा लूंगा। जो कहा गया है वो करो। ऑमलेट तो अच्छा खासा है, फिर अनवर ने ऐसा क्यों किया? शायद मुझसे नाराज है। अरे अब काहे की नाराजगी? तुम तो बेटा अपने अब्बू के पास भी नहीं गई हो। मुझे इस मामले में उससे बात करनी होगी। उसका रवैया बिल्कुल गलत है। छोड़िए ना अम्मी, जाने दीजिए। नहीं, इस बात को अब खत्म हो जाना चाहिए। बेटा, अब्बू ने मुझे हमेशा पैर की जूती की तरह रखा, लेकिन मैं कमजोर थी, मेरी सांस खत्म हो चुकी थी। लेकिन आज मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हारे साथ ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। अम्मी जाने दीजिए, बस एक हफ्ते की बात है, उसके बाद मैं दफ्तर जाने लगूंगी, एक रूटीन बन जाएगा, फिर इन सारी चीजों के लिए वक्त ही कहां मिलेगा। हो सकता है अनवर को अपने बिजनेस की कोई परेशानी हो। बिजनेस से इस मामले का क्या मतलब है कि इंसान तमीज कायदे सब भूल जाए, रिश्ते भूल जाए? मुझे इस बात को बहुत गौर से देखना होगा कि उसके इस तरह पेश आने के पीछे वजह क्या है। अम्मी जाने भी दीजिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी भी तरह का घर में लड़ाई झगड़ा हो, और मुझे पूरा यकीन है एक टाइम के साथ मैं सारी चीजें सुलझा लूंगी। खाक समझा लोगे? बड़ी बड़ी बातें करते थे, मोहब्बत की मेरे साथ और शादी उससे कर ली। रुखसाना, मैंने तुमसे मोहब्बत की है और हमेशा करता रहूंगा, मगर क्या करता, अम्मी ने आसमान सर पर उठा लिया था। बस अम्मी के जज्बात की फिक्र है, मेरे जज्बात का क्या हुआ? हम जस्ट टेकन फॉर ग्रांटेड। खैर, शादी मुबारक हो, और नई नई वेली को घुमाने नहीं ले गए? क्यों जले हुए की और सिकाई करती है? मेरा दिल तो तुम्हारे पास गिर भी है। बिना रूह के इस जिस्म को कौन सी सैर पर लेके जाता? अरे छोड़ो, तुम सब मर्द एक ही जैसे होते हो, हम औरतों को महज एक खिलौना समझते हो। अब अगर तुमने शादी कर ही ली है तो मैं भी अपने आप को आजाद समझती हूँ, रिश्ते तो मेरे भी आ ही रहे हैं। अगर मेरा जनाजा देखने का इतना ही शौक है तो कर लो शादी। ये ब्लैकमेल तो मैं भी कर सकती थी। दगा की है तुमने मेरे साथ। तुम्हारी कसम रुखसाना, मेरी शादी जबरन कराई गई है। मैं वादा करता हूँ उस औरत से बहुत जल्द ही निजात पाकर तुमको बाइज्जत अपने घर में लेके आऊंगा, मेरा यकीन करो। अब तक जो यकीन किया था उसका नतीजा तो देख लिया, अब क्या देखना बाकी है? बस कुछ वक्त। कितना? सिर्फ 6 महीने। क्या कर लोगे? ये तुम मुझ पर छोड़ दो।